हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, आज शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ये। साथ में इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, पत्तियों से ये गार्डन को खूबसूरत बनाता है और ये मेरे गार्डन की ब्यूटी भी है। बहुत सुंदर दिखता है ये और ये प्लांट काफ़ी बूशी भी होता है। बहुत सुंदर दिखने वाला ये पौधा, लो मेंटेनेंस प्लांट भी है ये। बहुत कम देखभाल में ये गार्डन में चलता है। इसको पॉट में लगा के रखें या फिर लैंड ज़मीन में लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, लेकिन इसको प्रॉपर धूप चाहिए। टोटली आउटडोर प्लांट है ये, धूप में अच्छा चलता है, ग्रो करता है और बहुत जल्द घना भी होता है। ये बहुत जल्द बुशी लुक ले लेता है। एक छोटी सी कटिंग अगर इसकी लगाते हैं तो बहुत जल्द पूरा पॉट फुल हो जाएगा, बुशी दिखेगा, बड़ा दिखेगा। इसकी ग्रोथ बहुत जल्द होती है, तेज रफ्तार में। ये 3 महीने पहले मैंने इसकी पूरी की पूरी प्लांट को कट कर दी थी रूट के पास से, और देखिए कितना बुशी दिख रहा है अभी, बहुत घना। बहुत जल्द इसकी ग्रोथ होती है। मिट्टी में लगा दें तो बहुत अच्छा है, अगर पॉट में लगाते हैं तो इसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है बार बार। अगर पौधा थोड़ा घना हो गया, रूट पूरा भर गया पॉट में, या तो फिर पॉट का साइज बड़ा कर लें और या फिर इसे रिपोर्ट करें, इसकी रूट प्रूनिंग करें और फिर से इसको लगाएं। ज़्यादा अगर भर जाता है तो इसकी सबसे अच्छा होता है फिर न्यू कटिंग लगा लेना, फिर तुरंत पूरा पॉट भर जाएगा और इसी तरीके से बुशी भी दिखेगा। यह है एक्लिफा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। ऑर्नामेंटल कहें या फिर इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। इस तरीके से फ्लावर्स इसका पूरा बुशी लुक में आता है, बुश जैसा ये पूरा घना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कलर भी बहुत सुंदर है, प्यारा है। इसमें और भी डिफरेंट कलर मिलते हैं। एक ग्रीन कलर का इसका होता है, वो और भी सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन ये कलर भी बहुत प्यारा है, कलरफुल बनाता है अपने गार्डन को। और इसमें सिंगल कलर नहीं है, कलर भी इसमें मिक्स है, ग्रीन भी है और रेड पे जाता है, हल्का ब्राउन रेड, क्या कहें इस कलर को, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। इसको पानी नियमित चाहिए। साथ ही अगर गमले में ये पौधा लगा हुआ है तो पूरा घना हो जाएगा और इसकी रूट जैसे ये ऊपर इतना जल्दी फास्ट ग्रोथ इसकी होती है, वैसे ही इसके रूट भी पूरा बहुत जल्द भर जाता है गमले में, तो बहुत जल्द फिर इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो एक पॉट का साइज मीडियम रखें या बड़ा रखें, लेकिन इसकी रूट बहुत जल्द भरेगी और फिर रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही शिफ्टिंग इसकी हमेशा धूप में रखें, जहाँ पे ये पूरे दिन की इसे धूप मिले तो भी बहुत अच्छा है। सनलाइट प्लांट है ये, धूप में चलने वाला और खूबसूरत दिखने वाला।